जय भगवान। जय भगवान। मैं आज आपको रिलैक्सेशन पॉइंट बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको जोनल लाइन और रेफरेंस लाइन का समझा रहा हूँ। पहले है अंगूठा और छोटी उंगली, बाजू वाली उंगली के बीच में जो वेब है ना, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे पूरा हम, तो ये पूरा अंगूठे का जो एरिया है ना पूरा, ये इसको हम पहला जोन बोलते हैं, Z1 जोन। इसी तरह दूसरी तीसरी के मूल से लेके वेब से लेके लाइन ड्रॉ करेंगे, जो छोटी दूसरी उंगली है ना उसका पूरा सीधा भाग है ना, इसको Z2 बोलते हैं। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया जोन, और तीसरी और चौथी के बीच में लाइन ड्रॉ करके आएंगे, तीसरी उंगली में ड्रॉ किया ना, ये पूरा Z3 जोन हो गया। और ये चौथी वाली उंगली के पूरा ऊपर से नीचे तक जो भाग है ये चौथा जोन बोलते हैं। और पांचवी उंगली जो बचेला भाग है ये पूरा यहाँ से लेके नीचे तक बॉटम तक, इसको Z5 हो गया। ये हमारे Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये दोनों पैरों में होते हैं हमारे, लेफ्ट में होते हैं, राइट में, दोनों पैरों में पांच पांच जोन है हमारे। ये अभी हम जो पॉइंट देखेंगे इसका, तो और दूसरा बाद में हम देखेंगे रेफरेंस लाइन, R1 लाइन, उधर पटल लाइन। आपको मालूम होगा एक कड़क भाग और नरम, हमारा छाती का भाग है ना पूरा कड़क होता है, और पेट का भाग नरम होता है, और पेट का भाग नरम होता है, तो कड़क और नरम की बॉर्डर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो आएगी हमारी उधर पटल लाइन, डायफ्राम लाइन आएगी। इसी तरह हम दो उंगली नीचे रख के पेशेंट कितने करेंगे या लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आएगी हमारी कमर की लाइन। और आपको सबको मालूम है साइटी का हील लाइन कहाँ है, हील के ऊपर, हील के ऊपर में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आएगा ये हील लाइन। फिर तो ए R1 उधर बटर लाइन, वेस्ट लाइन कमर की लाइन, हील लाइन, और चौथी जो लाइन है साइटी का लाइन, हील लाइन और नीचे का भाग के बराबर मध्य में लाइन ड्रॉ करेंगे ना, उसको हम बोलेंगे साइटी का लाइन R4। इसी तरह हमारे पैर में पांच जोन हैं, चार रेफरेंस लाइन हैं, तो इसी तरह हम देखेंगे 5, 10, 15, 20, 25 हमारे पैरों को कुल 25 भागों में डिवाइड किया गया है। 25 के बॉक्स इधर है, 25 बॉक्स इधर है। कैसा किया है हमने, फिर से समझा रहा हूँ, ऊपर से लेके यहाँ पर पूरा ड्रॉ करेंगे ना, पूरा Z1 पहला जोन, ये दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा और पांचवा, और ये R1 उधर पटर लाइन, ये कड़क भाग और नरम भाग की बॉर्डर R1 लाइन, ये R2 लाइन, R3, R4। अभी हम पॉइंट देखेंगे। पॉइंट नंबर एक गले का पॉइंट, गले का पॉइंट जहाँ अंगूठा हमारा मुड़ता है ना, ये मुड़ता है, ये हमारा पूरा जो अंगूठा है, बिग टो रिप्रेजेंट द हेड, पूरा हमारे अंगूठे है, पूरा हमारा प्रतिनिधित्व करता है, हमारे शरीर का फेस है पूरा अंगूठा। और जहाँ मुड़ता है, आप देखें गला कहाँ मुड़ता है, इसे अंगूठा मुड़ेंगे ना तो ये गले का पॉइंट इधर आया पूरा। ये कैसा दबाना है, आपको स्टेडी प्रेशर रख के दबाना है, और दबाएंगे ना प्रेशर नहीं आएगा, तो सपोर्ट जरूरी है, सपोर्ट रख के अंगूठी अंगूठे से दबाइए। दबाएंगे कैसा, हम पानी पूरी तोड़ते हैं ना घर में, ऐसे तोड़ते हैं, ऐसी तरह तोड़ते हैं ना, इसी तरह हाथ रख के जोर से दबाइए। प्रेशर यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से आना नहीं तो आपको पूरा हाथ दुखेगा, यहाँ से प्रेशर आके दबाना, ऐसा ही दबाए बराबर। हम गले का पॉइंट दबा सकते हैं, पर किसका हम गला नहीं दबा सकते हैं, इसके लिए गले का पॉइंट है, ये पॉइंट है इसके लिए। गले में खराश हो, कफ भर गया हो, आवाज की तकलीफ हो, हम पॉइंट दबाएंगे 10-10 सेकंड 3 बार। इसमें क्या होता है, हमारे गले की तकलीफ में हमें राहत मिलती है, जिसे हमारे एक्यूप्रेशर की परिभाषा में कहा हुआ है कि हमारा एक्यूप्रेशर रोगों को ठीक करता है और असाध्य रोगों में अच्छा करता है और हमें राहत भी देता है। तो पॉइंट देंगे तो जो भी तकलीफ होगी गले में उसमें हमें राहत मिलेगी। इसी तरह दूसरा और तीसरे के बीच में आता है, ये है आंख का पॉइंट। दबाएंगे स्ट्रेट जहां मुड़ता है, स्टेडी प्रेशर 10 सेकंड 3 बार यहां पर, 10 सेकंड 1 बार यहां पर, यह हुआ नंबर 2 आंख का पॉइंट। इसी तरह कान के पॉइंट चौथे और पांचवे के मूल रूट में पॉइंट दबाएंगे, स्टेडी प्रेशर दबाएंगे 10 सेकंड 3 बार, छोड़ देने का 10 सेकंड 3 बार। कान में कुछ तकलीफ हो, सुनाई कम दे रहा हो, आवाज आती हो, तो उसको पॉइंट देने में इसको उसमें फर्क आ जाएगा। एनिसेटिव विकोप होगा तो उसमें एकदम बहुत राहत पहुंचेंगे मिलेंगी। बस जय भगवान, ये आज के 3 पॉइंट हो गए मतलब ना।